की तरह इस बार का ये टूर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार का टूर मेरी खुद की जर्नी का सबसे बड़ा टूर होने वाला है, जो है मुंबई टू दिल्ली बाई रोड बाई कार। तो इस बार सफ़र में मेरे साथ जो है मेरे बहुत ही बचपन का दोस्त जो है विनोद जुड़ गया है, विनोद कुमार निगम, जो इस वक्त नवी मुंबई से निकल पड़े हैं मुझे पिक करने के लिए। और इस बार का जो मैं आपको सामान दिखाऊंगा मेरे पास है, इसे जा रहे हैं तो कुछ खाने की बॉटल्स, कुछ खाने का सामान, लैपटॉप का बैग, मेरा ट्राईपॉड और मेरा ये छोटा सा बैग, कैरी बैग, और मेरे कुछ ट्रैवलिंग वाले बैग। मुंबई से दिल्ली की जर्नी किस तरह होगी, पहली बार बाई रोड जा रहा हूँ, इससे पहले हमेशा फ्लाइट में गया हूँ, लेकिन किस तरह होगी ये तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जाने से पहले कुछ जर्नी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र है, 1500 किलोमीटर का सफ़र है, तो किस तरीके से जाना है थोड़ा वो देख लेते हैं। तो मैंने जो है जाने से पहले कुछ मैप तैयार किए हैं जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे। तो ये हमारी जर्नी है मुंबई से दिल्ली, मतलब उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद मेरे होम टाउन की। तो अभी मैं मुंबई में हूँ और ये मैंने दिन में ही मैप तैयार कर लिया था। तो हम किस किस तरीके से जाएंगे, हम लोग मुंबई से जो है मेरे घर गोरेगांव से निकलेंगे, फिर गोरेगांव से हम लोग होते हुए सीधा 45 या 1 आवर का रूट है जो बॉर्डर पड़ेगा महाराष्ट्र का, उसे क्रॉस करते हुए वडोदरा से सीधा हम लोग लेफ्ट वाला रूट पकड़ेंगे जो सीधा अहमदाबाद के हाईवे से होते हुए जाता है, सीधा गुजरात आएगा, फिर उसके बाद आपका गुजरात बॉर्डर आएगा। सॉरी गुजरात में तो हम हैं ही पूरा, अहमदाबाद क्रॉस करने के बाद फिर उदयपुर की थोड़ी छवि दिखने लग जाती है जैसे कि वीडियो में आपको अब सब दिखेगी। फिर उसके बाद सीधा उदयपुर हम जाएंगे, उदयपुर से हमारा नेक्स्ट स्टॉप अजमेर होगा, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद हमारा यहाँ राजस्थान जो है एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और दूर आएंगे तो करीब 3-4 किलोमीटर 3-4 घंटे की जर्नी के बाद जो है हम गुरुग्राम पहुँच जाएंगे, मतलब हरियाणा पहुँच जाएंगे। और हरियाणा के बाद हरियाणा बहुत छोटा पड़ेगा हमारे रूट पर दिल्ली से जाते हुए। फिर उसके बाद हरियाणा मतलब गुरुग्राम का बॉर्डर आ जाएगा, और उसके बाद फिर दिल्ली, और दिल्ली से सीधा आपको पता ही है हमारे होम टाउन उत्तर प्रदेश यानी कि गाज़ियाबाद हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे। तो हमारी जर्नी जो है कुछ इस तरह की होगी जिसमें जैसे मैप हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग जो हैं इसमें 3 रास्ते होते हैं, अगर आपको वडोदरा से दो रास्ते और कटते हैं वडोदरा से, या तो आप कोटा होते हुए सीधा जयपुर जा सकते हैं, या फिर वडोदरा फिर कोटा और उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये दो रूट जो हैं ना पकड़ें, क्योंकि ये जो दो रूट हैं ये मतलब हाईवे नहीं है, ये आपको गली कूचों में से निकलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा है जिस रूट से हम आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल हाईवे है, 7 लेन का हाईवे है। तो आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस रूट से ही जाएं। तो आज शाम की जर्नी बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि इस रूट के थ्रू हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आप क्या क्या होने वाला। कल तो इस गाड़ी में जो है इस वक्त हम मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं। पैक हो चुका है और मेरे साथ जुड़ गए हैं विनोद, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी। कहाँ जाने वाले हैं भाई? जा रहे हैं दिल्ली। तो मतलब दिल्ली गाड़ी से। कल तो कितने दिन का सफर है, क्या है कुछ बताओ ना। कहते हैं यहाँ से जाने में 25 घंटे लगते हैं, देखते हैं बाकी। चलो मतलब बहुत ही मजा आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। God, what did I know? I fell for fools. God, I fell for fools. God, what did I know? What did I know? And you are fools, go. Oh my God. Yes, I did. छः
6:20 के हम लोग निकले हुए हैं मॉर्निंग में मुंबई से, और इस वक्त हम राजस्थान से बस कुछ ही देरी की दूरी पर हैं। राजस्थान बस टच करने वाले हैं। वैसे बहुत लंबा लग रहा था राजस्थान, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने टच कर लिया, और 100-120 के ऊपर गाड़ी बिल्कुल नहीं रन करी हम लोगों ने, और बहुत ही कम टाइम पर जो है राजस्थान हम मतलब पहुँचने वाले हैं। राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर हम आएँगे, उदयपुर के बाद जो है थोड़ी गाड़ी हमारी रेस्टिंग पे है, तो बस इसके बाद निकलते हैं उदयपुर। और अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 621 किलोमीटर हम लोगों ने तकरीबन पार कर लिया है मुंबई से यहाँ तक के, तो आगे कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। मुझे तो लग रहा है एक ही दिन में दिल्ली पहुँच सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा थक रहे हैं तो आप नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम लोग जो हैं पूरी रात गाड़ी चलाएंगे तो सुबह 5 बजे तक जो है दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, और आगे कैसा होगा उदयपुर देखते हैं। होटल में हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ खाएंगे पियेंगे, तो बाकी यहाँ से राजस्थान की थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जैसे राजस्थान में बंजर पहाड़ हैं उसी तरह की यहाँ कुछ वाइब्स हैं। और गाड़ी एक बार फिर दोबारा जो है हम लोगों ने रेस्ट पे लगा दिया, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, जैसे सब रॉयल ब्लू कलर, और फिर उसके बाद निकलते हैं अगले राइड की ओर उदयपुर, और उदयपुर से जयपुर, जयपुर से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद अपने होम टाउन। इट्स एंजॉय। गाड़ी चलाने के बाद अजमेर में पेट्रोल जस्ट हमने यहाँ से भरवाया, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है, तो यहाँ सेफ है कि पेट्रोल आप भरवा लें। अजमेर से जस्ट थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। थर्ड टाइम हमने ये टैंक फुल कराया कार का, और अब शायद ये सीधा दिल्ली तक हमें जो है ड्रॉप कर देगी कार, तो अब इसके बाद सीधा जयपुर, जयपुर से दिल्ली, और अभी जयपुर में हम लोगों को थोड़ा यहाँ होल्ड करना पड़ेगा, तो जयपुर में होल्ड करने के बाद सीधा हम वहाँ से अर्ली मॉर्निंग जो है दिल्ली की तरफ निकलेंगे। वेल गाइस, तो रात के 10 बज गए हैं और हम ठीक अजमेर पहुंच चुके हैं, गाड़ी के अंदर है, खाना फिलहाल हमने गाड़ी में कर लिया क्योंकि बाहर करने का मन नहीं था, और बस हम एक छोटा से एक होटल में स्टे करने वाले हैं, और अर्ली मॉर्निंग मतलब हम लोग 4 बजे उठ के सीधा अजमेर से जयपुर की तरफ रवाना होंगे, और जयपुर से रवाना होने के बाद हम लोग सीधा गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से अपने घर गाजियाबाद। मेरे साथ है बबलू। हाय। तो बस अब सीधा कुछ घंटे का सफर है फिलहाल, अभी बस होटल की तरफ स्टे के लिए हम जा रहे हैं, और उसके बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग सीधा रवाना हो जाएंगे जयपुर की तरफ। जयपुर में थोड़ा बहुत कुछ देखने लायक होगा तो देखेंगे, उसके बाद सीधा होम टाउन। बाय। वेल, तो जयपुर से थोड़ा सा आगे जो है बिल्कुल रुके हैं, और ये नज़ारा है फिलहाल। हम जो है जयपुर से थोड़ा सा, जयपुर से बहुत आगे, मतलब थोड़ा तो नहीं बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं, और अब हम
तो अभी हम यहाँ से सीधा फिर जो है दिल्ली की तरफ बुक कर रहे हैं, 2 घंटे का दिल्ली का रास्ता, 2 से 3 घंटे का, फिर दिल्ली से नोएडा और फिर अपने होम टाउन। तो चलिए चलते हैं। What did I know?